नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सा एक स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप चाट भी बोल सकते हैं। पानी पूरी का जो पूरी होता है ना, हम लोग जब लाते हैं घर पे या घर पे बनाते हैं, तो उसमें से कुछ पूरियाँ ऐसी टूटी हुई निकलती हैं जिसको हम स्टफिंग करके खा नहीं सकते। एक तरफ से हम उसमें स्टफिंग करते हैं, दूसरे तरफ से उसमें से निकलना शुरू हो जाता है पानी वगैरह, क्योंकि दोनों साइड होल रहता है या टूटा हुआ रहता है, तो समझ में नहीं आता है इसका हम करें क्या। तो बस आज मेरे दिमाग में आया कि इसका कुछ एक नया चीज़ बनाते हैं, एक नया अलग सा टेस्ट देते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत क्विक बनने वाला ये स्नैक है। बढ़िया सा चाट इसका बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। जो इस तरह की पूरियां होती हैं ना, इस तरह का टूटा हुआ दोनों साइड आप देख सकते हैं, टूटा हुआ दोनों साइड होल है, बस इस तरह की पूरी जो होती है, बहुत अच्छा सा स्नैक बना के हम इंजॉय कर सकते हैं। इतनी ही पूरी बची हुई थी पानी पूरी का। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। इसमें डालने के लिए हमने लिया क्या है, यहाँ पे एकदम छोटे साइज़ का उबला हुआ बारीक कटा हुआ लिया है आलू, और एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और दो ग्रीन चिली मैंने लिया है, हरा मिर्च बारीक कटा हुआ, स्पाइसी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, और एक छोटे ही साइज़ का मैंने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ। बस हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब सब्जियों को हमें क्या करना है, मिक्स कर देना है एक साथ, क्योंकि ये बन रहा है एकदम झटपट क्विक चाट। अब इसमें हम डालेंगे क्या, इसमें हम डालेंगे मसाले में, हमने यहाँ पे काला नमक का इस्तेमाल किया है। अगर मैं आपके पास काला नमक हो उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो आप रेगुलर नमक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 1/3 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है चाट मसाला। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम हमारे पूरी को इसमें तोड़ करके इस तरह से ये भी डाल देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मीठी चटनी हम डाल देंगे, खजूर की मीठी चटनी। आप इमली की भी चटनी डाल सकते हैं। इन इमली की चटनी और खजूर की चटनी मेरे चैनल पे है, उसका रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। हरे धनिए की चटनी, ये सब डालने के बाद थोड़ा सा हम नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। अब एकदम चटपटा हमारा, इसको आप भेल भी बोल सकते हैं, पानी पूरी के पूरी का भेल भी है ये, आप बोल सकते हैं, तो कुछ भी नाम देख सकते हैं। और एकदम चटपटा सा हमारा ये स्नैक बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम दही डाल देंगे। ये है एकदम चटपटा चाट, एकदम बनकर रेडी हो गया। अगर मैं आपके पास नमकीन वगैरह हो तो इसके ऊपर आप नमकीन वगैरह भी डालकर एंजॉय कर सकते हैं। एकदम बढ़िया हल्का फुल्के भूख के लिए आपका ये सबसे बेस्ट है स्नैक, खा लेंगे मन एकदम खुश हो जाएगा। देखा, बचे हुए टूटे हुए पानी पूरी के पूरी का कितना अच्छा रेसिपी बन गया, उसका भेल या चाट जो भी बोलो। एक बार इस तरह से आप लोग भी बनाकर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगर मैं ये रेसिपी अच्छा लगा हो, ये आइडिया अच्छा लगा हो, तो मेरे रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।